नमस्कार। प्रस्तुत है व्यंग्य विनोद की क्यारी का नया फूल, आपका नमक खाया। उसने इंटरमीडिएट पास कर लिया था। उसके पिता की इच्छा थी कि वो आईआईटी की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन कर ले, और वो चाहता था कि मुंबई जाकर किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले। इस मुद्दे को लेकर जब भी घर में बहस होती तो उसकी मम्मी और दीदी उसी को सपोर्ट करते थे और पिताजी अकेले पड़ जाते थे। एक दिन बुआ आई हुई थी। डिनर की टेबल पर फिर वही मुद्दा उछला तो बुआ ने कहा कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, नाटकों में भी इनाम जीते हैं, यह उसका पहला शौक है। अगर आज उसे जबरदस्ती कोचिंग में डाल देंगे तो वो पूरे मनोयोग से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, इसलिए इस साल उसे बंबई ही जाने दो। 6 महीने एक्टिंग का कोर्स करेगा और 6 महीने काम के लिए स्ट्रगल। इस बीच अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो अगले साल उसे कोचिंग में डालना ठीक रहेगा। इस प्रस्ताव पर सभी राजी हो गए और उसने भी खुशी खुशी हामी भर दी। फिर क्या था, मुंबई जाने की तैयारियां शुरू हुई, एक्टिंग स्कूल में एडमिशन हुआ, नए नए यार दोस्त बने, दिन में सपने दिखाने वाले कुछ फ्रस्ट्रेटेड स्ट्रगलर भी मिले, एक्टिंग इंस्टीट्यूट में उसकी घनिष्ठता बढ़ गई थी पीलीभीत वाले के साथ। कोर्स पूरा होने के बाद उन्होंने ये कमरा लेकर अपना स्ट्रगल शुरू किया। गोवा से लौटने के बाद जब उसे पीलीभीत वाले ने ये बताया कि उसने मुझे डिनर पर बुलाया था तो वो मुझसे मिलने मेरे कमरे में आ गया और बोला, रूम पार्टनर बहुत ही तारीफ किए हैं आपकी, मिले चले आए, आपसे बैठ जाए। हाँ हाँ बैठ जाओ आराम से, तुम्हारा दोस्त बता रहा था कि तुम लोग छोटे छोटे सप्लायर्स के पास जाते हो रूल मांगने के लिए बायोडाटा में दिखावे खातिर। अच्छा, तो तुम्हें कौन सा रूल बताया गया? पहले तो जमीन में गड़ी लाश को बाहर निकाले खातिर मट्टी खोदे बारे मजदूर को रोल, हम मना कही दिए तो कहन लागे कि डब्बा में पानी लेके जंगल जाए बारा किरदार करबो, झाड़ियन की तरफ बढ़त भये एक लाश देख के चौके का अभिनय है। हम पूछा बोले का का है, तो बोले अभी नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर आवत ही कहे का है, इधर आइए सर, फोन मैंने ही किया था। हम कहे मजा नहीं आवा, वो कहीं कल को मिलना, शायद कुछ नए सीन आ जाए। दूसरा दिन वो कहे कि जिस सीन में तू अपन दुकान में ठाड़े हो, एक तो पुलिसिया आई और एक तो फोटो दिखाए के पूछी कि एक जानत हो, जवाब में हमका मुंडी हिलावे का है, यह एक्शन करे का है, बस। यानी कि डायलॉग लेस सीन। हम कहा सर कौनो डायलॉग वाला सीन देव ना हमका, तब बोले एक तो बदमाश का रोल है, हवालात में पिटना है, चीखना है, चिल्लाना है, और इंस्पेक्टर आए के पूछे कि ऐसा काहे के किए लल्लन, तो हमारा डायलॉग हुई हम तो ऊ है कि ये सरकार जो हमारे मालिक कहे रहे। हम कहा ऐसा रोल से तो लाश का रोल ज्यादा फायदेमंद है, ना कोई एक्शन ना कोई डायलॉग और पैसा पूरा, ऐसा ही लागे कास्टिंग डायरेक्टर। फिर कहीं एक और रोल है गांव के गरीब आदमी का, वो अपने घर के आंगन में खड़ा है, तभी एक पुलिस जीप आकर रुकती है और एक लेडी कांस्टेबल उससे पूछती है कि गांव का सरपंच कहाँ रहता है, तब हमें हाथ से इशारा करके बताना है उधर। जवाब में वो कहती है
आ जाओ हमारे साथ चलो, जीप में बैठो। हम कहे हवालात में मार खावे से बेहतर है ये रोल हम जरूर करें। सही डिसीजन लिया तुमने। मैंने तुम्हारे रूम पार्टनर को भी बताया था कि इश्क मुश्क और टैलेंट सिपाही से नहीं छिपते। हाँ वो बतावत रहा नवाजुद्दीन वाली बात, ओके स्ट्रगल की कहानी और शोले वाला डायलॉग। मैंने याद दिलाया था उसे सांभा वाला डायलॉग। तुम ही सोचो कि जब गब्बर ने कालिया की गर्दन पर तमंचा रख दिया था तो उसने सिर्फ इतना ही तो कहा कि आपका नमक खाया है सरदार। इतने से डायलॉग से अमर हो गया उसका किरदार। सत्यवचन अंकल बड़ी खुशी होवत है आप जैसन मनिखा से मिलके, कहकर उसने हाथ जोड़े और खड़ा हो गया जाने के लिए। मैंने भी हाथ जोड़ दिए बैठे बैठे। बाय। कृपया कमेंट अवश्य करें ताकि चैनल को आपकी रुचि के अनुरूप बनाया जा सके। धन्यवाद।